काम बोलता है, ये नारा तो वैसे एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी प्रशंसा हेतु विधानसभा चुनावों में कुछ वर्ष पूर्व लगाया था, लेकिन इसे वास्तव में आत्मसात करने हेतु एक कंपनी कई वर्षों से उद्यत रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे रिलायंस भारत के पर्यावरण को समृद्ध करने हेतु कमर कस चुका है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में रिलायंस उद्योग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में लगभग 80 बिलियन डॉलर का निवेश हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी में करने का निर्णय लिया है, वह भी गुजरात में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार गुजरात सरकार के साथ रिलायंस ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। फोर्ब्स के विश्लेषणात्मक लेख के अनुसार यदि ये निवेश सही रूप में लागू किए गए तो गुजरात 2035 तक अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, यानी वह भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन जाएगा। जून में ही रिलायंस उद्योग के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने स्पष्ट किया था कि वे वैकल्पिक ऊर्जा में 10 बिलियन डॉलर तक का निवेश करने को तैयार हैं। यही नहीं, गुजरात को अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अगले 10 से 15 वर्षों के बीच 67.4 बिलियन डॉलर के निवेश सहित 100 गीगावाट से सुसज्जित एक वैकल्पिक ऊर्जा पावर एवं ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने में भी सहायता प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था न केवल गुजरात का कायाकल्प करेगा अपितु भारत को पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध करेगा। अन्य देश केवल पर्यावरण को बचाने के दावे करते हैं, परंतु वास्तव में कुछ नहीं करते। इसके ठीक उलट भारत न केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यापक कदम उठा रहा है, अपितु बिना एक उंगली उठाए स्वघोषित पर्यावरणवादियों को करारा तमाचा भी जड़ रहा है। हाल ही में भारत ने पश्चिमी देशों को गलत ठहराते हुए ये साबित कर रहा है कि वह जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर कितना सक्रिय है, और इसी क्रम में बीते गुरुवार को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर के अधिकतम वन क्षेत्र में वृद्धि के साथ पिछले 2 वर्षों में भारत के वन और वृक्षों के आवरण यानी फॉरेस्ट कवर में 2261 वर्ग किलोमीटर की अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के वन संसाधनों के आकलन हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण की द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में इस बार की बढ़ोतरी में कुल 1540 वर्ग किलोमीटर की वन भूमि जबकि 721 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण भूमि शामिल है। भूपेंद्र यादव के अनुसार यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि भारत में वृक्षों और वनों का आवरण बड़ा है। रिपोर्ट उन पहलुओं को भी छूती है जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। हम हरित मिशन के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्रालय ने वन संरक्षण एवं लोगों की भागीदारी बढ़ाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बढ़ाने हेतु नगर वन योजना को शुरू किया गया है, जो अगले 5 वर्षों में हरित मिशन के दूसरे चरण के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे में रिलायंस ने गुजरात में हरित ऊर्जा क्रांति लाने का बीड़ा उठाकर स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वो हर मायने में संपन्न कराकर ही दम लेगा। अनेक बाधाओं के बाद भी यदि रिलायंस भारत के लिए इतने अतुलनीय योगदान दे रहा है तो उसके लिए उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह सदैव कम है।